लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव की वजह से प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर मौसमी बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त आदि से ग्रसित मरीज काफी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। बच्चों में भी इनकी संख्या काफी देखने को मिल रही है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र द्वारा लगातार उपचार को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर सभी दवाओं का स्टॉक भी पर्याप्त संख्या में मंगाया गया है। मरीज और उपचार को लेकर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने जानकारी दी। जी, अभी मौसम में परिवर्तन होने के कारण सर्दी खांसी के और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। सभी मरीजों का बढ़िया उपचार किया जा रहा है एवं जरूरत पड़ने पे अन्य जांच करके सुविधाएं दी जा रही है। शासन द्वारा तो दवाइयां तो प्रॉपर मिल रही है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या में अभी भी कम है। कलेक्टर महोदय द्वारा DMF फंड से 5 डॉक्टरों की नियुक्ति के संबंध में आदेश दिया गया था, लेकिन इंटरव्यू में कोई चिकित्सक नहीं पहुंचे, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था। अभी मेरे ख्याल से उच्च अधिकारियों से बात हुई है, आचार संहिता तो निकलने के बाद फिर से डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चालू की गई। बहरहाल, मरीजों के उपचार को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं प्रशंसनीय है। मरीजों को इसका बेहतर लाभ भी मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।